इतनी सुंदर लग रही है यार। S1000 आ रहा है नहीं, 2023 वर्जन। आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल टू यू ऑल कि मेरी पहली वीडियो में 2500 प्लस व्यूज हो चुके हैं, दूसरी में भी 1500 प्लस हो चुके हैं और तीसरी में भी 1000 व्यूज हो चुके हैं। तो ये एनवेलप है, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है प्राइस ब्रेक डाउन करके कि कितना खर्चा हुआ है। भाई बहुत मोटा खर्चा हुआ, पहली चीज तो ऐसी तैसी हो गई है। जितना भी मेरी BMW की फर्स्ट सर्विस का खर्चा होगा वो मैं एंड में बताऊंगा ब्रेक डाउन करके किसमें कितना का खर्चा आया। एक तो भाई बाइक के रिएक्शन इतने ज्यादा है ना, मैं क्या बताऊं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया हो और हमेशा बढ़िया ही रहना। तो गाइस आज आ गया है वो दिन जिस दिन हमारी बाइक पे होना है मोटा खर्चा, आज है बाइक की फर्स्ट सर्विस। तो अभी बस हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाइक की सर्विस कराने के लिए। वीडियो में के एंड में बता दूंगा कि इस पे कितना खर्चा आया फर्स्ट सर्विस में और इज़ इट गुड टू ओन अ BMW, मैं ये भी बता दूंगा क्योंकि यू गाइस नो कि अभी BMW के खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि यार प्रीमियम ब्रांड है तो एक सर्विस और इन सब का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो अभी बस निकल रहे हैं हम, तैयार हो गए, मैं राइडिंग जैकेट पहन रहा क्योंकि बाहर ना धूप हो रही है। और गाइस आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल टू यू ऑल कि मेरी पहली वीडियो में 2500 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, दूसरी में भी 1500 प्लस हो चुके हैं और तीसरी में भी 1000 व्यूज़ हो चुके हैं। तो व्यूज़ हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं और हमारे अभी 109 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैंने बाइक के साइड में, यू गाइस नो कि मैंने बाइक के साइड में वो अपना नाम यूट्यूब का लोगो और अपना यूट्यूब का नाम लिखवा दिया है तो लोग पूछते हुए जाते हैं तो जाते जाते भी सब्सक्राइब कर देते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं जितना भी मेरी BMW की फर्स्ट सर्विस का खर्चा होगा वो मैं एंड में बताऊंगा ब्रेक डाउन करके किसमें कितना का खर्चा आया ताकि आप लोगों को आगे और नॉलेज मिले और आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो जब आप सर्विस कराओ। तो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके थे और आप लोग बोल रहे होंगे कि हम लोग बाइक छोड़ के गाड़ी में कैसे हैं। तो गाइस बाइक जो है वो भाई चला रहा है और मैंने कहा चल ठीक है तू चला ले आराम से, मैं आज गाड़ी में जाऊंगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, प्याली भी साथ में हमारे और हमने अभी खाने के लिए कुछ रुके थे क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। तो अभी हम चल रहे हैं और मौसम भी बहुत सही हो रहा है गाइस बाहर का। ओ भाई तू गाड़ी पहले ले आ बीच में। तो मौसम भी बहुत सही हो रहा है भाई बाहर का और अगर बाइक देखनी हो तो बाइक भी आ रही है साइड में है, भाई भी आएगा साइड से पीछे। तो लेट्स गो। तो गाइस ये जाम खत्म हुए तो हम कहीं पहुंचे, बाइक हमारे यहाँ खड़ी है देखो। हाँ जी सर, बिग फैन सर, ब्लॉग करते हो सर? बिग फैन सर, ब्लॉग करते हो क्या? ब्लॉग सर हमें भी ले लो सर वीडियो में। तो अभी चलते हैं गाइस, यहाँ से जाम खत्म हुए तो हम पहुंचे कहीं, टाइम देख लो सर 1:15 हो रहा है, कभी पहुंचेंगे और कभी वापस आएंगे। चलो खुला खुला चलते हैं। तो भाई बाइक के रिएक्शन इतने ज्यादा है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब हम खुद गाड़ी में बैठे और आज मैं पहली बार अपनी बाइक को ना साइड से चलते हुए देख रहा हूँ, यार बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, इसलिए तो इतने रिएक्शन मिलते हैं, क्या ही बताएं। पहुंच गए थे BMW शोरूम, बाइक हमने यहाँ पे खड़ी कर दिया है। भाई मेरे को वहाँ पे ना कुछ दिख रहा है, ओ भाई S1000 खड़ी हुई है, S1000 खड़ी हुई है। ओ भाई भाई क्या बात है भाई, छोड़ दो GT3 RR जल्दी, अभी यही लेते हैं भाई S1000। चलो अंदर चलते हैं अभी और सर्विस के लिए देते हैं बाइक जल्दी से। भाई जी खड़ी हुई है GT3 RR ब्लैक में, सुंदर लग रही है यार भाई, ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, सही है भाई इसको, भाई ये देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है यार। S1000 RR नहीं, 2023 वर्जन रेड में, भाई बहुत सुंदर लग रही है, ब्लैक में भी खड़ी है भाई, भाई रेड भी कितना सही कलर लग रहा है यार कसम से। भाई टायर देखो यार इसके, भाई कितनी सुंदर लग रही है यार ये देख लो, ब्लैक भी कितनी सुंदर लग रही है, सोल्ड टू मुस्तकबिल,
कॉन्ग्रेचुलेशन यादव साहब, बहुत अच्छी लग रही है भाई ये बाइक, बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। और सबसे अच्छा है इसका आगे का विंगलेट के साथ, हेलो ये सुंदर लग रही है भाई। ये भाई 3 टन आना छोड़ो यार, ये लेकर चलते हैं घर पे। कैसे मिस कर सकते हैं ये देखो, कॉफ़ीज़ और चाय, चाय मैंने पी ली है, कॉफ़ी और पड़ी हुई है, अभी एक और कप पियेंगे हम चाय। एक कप और तो चलेगी ना भाई? नहीं। हाँ यार अभी बहुत टाइम लगेगा सर इसमें। हाँ चलेगा, कुछ खा कर आएंगे। हाँ तो अभी हम लोग बस अभी वेट करने को बोला है हाफ एन आवर, फिर उसके बाद हमारी बाइक जाएगी सर्विसिंग के लिए, टाइम लगेगा तो अभी देखते हैं। बाकी हम लोग बाइक देखे सोच रहे हैं कि बाहर चलेंगे कुछ खाने पीने, क्योंकि अंदर वीडियो नहीं बना सकते, तो देखते हैं बाकी वेट करते हैं क्या होता है। गाइस ये देखो, यहाँ पे BMW की कम्युनिटी की फ़ोटोज़ है बहुत सारी, जितनी भी राइड्स होती हैं और जितना भी ऑफ रोडिंग ट्रैक्स में होता है या फिर जो इवेंट्स होते हैं या फिर कोई ट्रिप्स होती है उसकी सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगती हैं। तो अभी एक ट्रिप और आ रखी है, भाई ने भेजी हमें, तो अभी देखते हैं अगर हम लोग फ्री होंगे तो चलेंगे। बाकी शोरूम में आज बहुत बाइक्स हैं, और ये देखो ये भी यहाँ से चलते आ रही है। क्या हुआ? 3 hours later तो गाइस हमारी सर्विसिंग हो गई है, ये रहा बिल, अभी यहाँ से चलते हैं, बाइक हमारी खड़ी है वहाँ पे, तो अभी जल्दी से चलते हैं और फिर आपको घर पे या फिर कहीं रुक कर दिखाते हैं कि कितना इसका हुआ है, कितना प्राइस आया, और ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं कि किस चीज़ में कितना प्राइस लगा है। तो बाइक हमारी सर्विस हो चुकी है, मैं यहाँ खड़ी है, अभी चलते हैं, बाय बोलते हैं, चलें, चलो ठीक है। और गाइस देखो यहाँ पे ये क्या खड़ा था, 340i M340i भी हमको, भाई कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है यार इसका, कलर बहुत सुंदर लग रहा है। अभी चलते हैं, GS बाहर से भी खड़ी है, चलो अभी चलते हैं बाइक को लेते हैं यहाँ से, निकलते हैं और फिर आपको बताते हैं इसका प्राइस कितना है। मैंने बाइक ना एक्चुअली गाइस धुलवाई नहीं है, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है ना कि बारिश होने वाली है, तो मेरे को लगा फिर गंदी हो जाएगी, ऊपर से इनका बाइक वॉशिंग का बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं अपने वहाँ से करा लूँगा। तो अभी चलते हैं जल्दी से इसको लेके, अभी मेरा मन नहीं है चलाने का, तो भाई चलाएगा इसको, फिर कहीं रुक के एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि इसका प्राइस कितना है और कितना महंगा पड़ेगा अगर आप एक BMW G310 RR रोन करते हो तो। The next day. तो गाइस वेलकम बैक, आज है सेकेंड डे, और जैसे आप लोगों को पता होगा कल हमने अपनी बाइक की सर्विसिंग करा ली थी, बट हुआ क्या कि आते हुए हम लोग को बहुत लेट हो गया था और अंधेरा हो गया था, तो हम लोग को शूट करने का मौका नहीं मिला। तो आज हम आए इस जगह पे और हमने अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी है, तो अब बताते कि सर्विस में कितना कॉस्ट आया। तो ये एनवेलप है, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है प्राइस ब्रेक डाउन करके कि कितना खर्चा हुआ है। भाई बहुत मोटा खर्चा हुआ, पहली चीज़ तो ऐसी तैसी हो गई है, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो खर्चा है वो है एडवांटेक अल्टिमा करके एक इंजन ऑयल है इसका, जो आया है वो 1849 रुपीज़ का है। फिर उसमें ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है जो 274 रुपीज़ का है, और गैसकेट रिंग होती है वो 107 रुपीज़ की है, तो ये टोटल आया था 2632 का। तो गाइस इसके बाद जो होता है वो होता है ऑयल चेंज इन इंजन विद फिल्टर, जो फिल्टर इंजन का फिल्टर होता है उसका ऑयल चेंज होता है, वो 571 रुपीज़ का होता है। उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो इसकी सॉफ्टवेयर का टेस्ट होता है, उसमें मेंटेनेंस जो सर्विस रिकॉर्ड होता है वो सब पूरा एकदम अपडेट होता है। फिर उसके बाद होता है BMW रनिंग चेक्स कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है चलाने में और ये सब, वो भी सॉफ्टवेयर से देखते हैं, तो उसका प्राइस है 1333 रुपीज़ का। इसके बाद है एडजस्टिंग चेन टेंशन, तो होता क्या है कि ये जो स्विंग आर्म है इसका पीछे यहाँ पे, इसमें अगर आप रिगरेस बाइक चला रहे हो और गड्ढे में बाइक जा रही है, जैसे आप सिटी ड्राइविंग भी कर रहे हो, तो उसकी वजह से ना जो स्विंग आर्म है वो ऊपर नीचे होता है, तो उससे जो चेन होती है वो लूज हो जाती है, तो उस चेन को टाइट करके और उस चेन पे लूप करने के लिए ये चीज होती है, तो इसका 381 रुपीज लेते हैं ये लोग। तो गाइस जो लास्ट है वो है लेबर, और भाई लेबर इसकी बहुत ज्यादा महंगी है, लेबर इसकी है 3048 रुपीज की, 3050 रुपए की तो इसकी लेबर है सिर्फ, ठीक है। तो सम टोटल पूरा मिला के जो हमारा सम टोटल बनता है वो बनता है 6250 रुपीज का। तो इसकी जो पहली सर्विस हुई है वो 6200 रुपए की हुई है, 6250 रुपए बोल सकते हैं वो रखी है, प्लस इसमें अभी प्राइस हमने कभी कम हुआ है क्योंकि हमने इसकी वॉश नहीं कराई है, क्योंकि भाई इसकी वॉश 800 रुपए की वॉश है, तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा 7000 रुपए होता था।
मैंने इसकी वॉश इसलिए नहीं कराई क्योंकि कल मौसम बहुत ज्यादा विंडी था, आंधी से आ रही थी और बारिश होने के आसार भी लग रहे थे, और आज भी ऐसा ही मौसम था, तो मैंने इसको वॉश नहीं कराया था क्योंकि भाई फायदा नहीं होगा, तुम 800 रुपए की वॉश कराओ फिर घर जाते जाते ही गंदी हो जाए, तो मैं यहाँ से अपने यहाँ से 150 रुपए की वॉश करा लूंगा भाई, 800 रुपए की वॉश इज नॉट वर्थ इट। बाकी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था BMW के साथ भाई। देखो इसको ओन करना महंगा इसलिए क्योंकि भाई सबसे पहले तो एक प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम है ये, ठीक है। ये अगर आप मान लो कि इसको ओन करो या फिर KTM को ओन करो तो भाई बहुत डिफरेंस है क्योंकि ये BMW है, इस लोगों के ही पैसे हैं, ये लोगों के ही पूरे पैसे हैं। बाकी सर्विस होने के बाद मेरे को बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, और इसका जो क्लच था उसमें भी थोड़ा प्ले आ रहा था, वो क्लच भी टाइट कर दिया है। बाकी अगर मेरे से पूछो तो सर्विस ठीक है इसकी, क्योंकि जो नेक्स्ट सर्विस होगी वो 10,000 किलोमीटर्स पे होगी, और हाँ वो महंगी होगी, वो भी अराउंड 10,000 रुपये की होगी, बट भाई इतना ही पड़ जाता है। अगर आप इसके बजाय इसका एक जो इसका दूसरा वर्जन है TVS अपाचे है वो ओन करते हो, या आप KTM ओन करते हो, या कोई भी ऐसी बाइक ओन करते हो, उनकी सर्विस हर 2,000-2,500-3,000 किलोमीटर पे होती है, जो 3,500-4,000 रुपए की होती है। इसकी 10,000 में एक बार ही सर्विस होती है। तो होता क्या है कि जब 10,000 में एक बार ही सर्विस होती है, वो आपको ऑलमोस्ट अराउंड एक साल या 10 महीने के अराउंड में एक बार ही सर्विस होती है जो 10,000 रुपए की होती है, तो सम टोटल वो उतना ही बन जाता है। बाकी इसके रिएक्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं भाई मेरे को, मैं अपनी व्लॉग में तुमने देखा भी होगा मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा भाई बाइक चला रहा था, भाई क्या रिएक्शंस मिलते हैं साइड से, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इसको ओन करना मेरे लिए बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। और सर्विस कॉस्ट महंगी है आई नो, बट एक साल में एक सर्विस होना इज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्विस इनकी इनका जो सर्विस जो भी करते हैं ये लोग वो बहुत अच्छे से करते हैं, मैं बिल्कुल डिलाइटेड हूँ भाई, मेरे को मैं तो 10 स्टार्स दूंगा इनको जो भी इनका फीडबैक फॉर्म आएगा। आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहे और वीडियोस में ऐसे ही व्यूज लाते रहे, हम साथ में ग्रो करेंगे। बाकी आज के लिए रखते ही इतना ही, दिस इज दिल्ली द मुंडा वर्क साइनिंग ऑफ, टाटा बाय।